नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार निकाय चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। राजविंदर सिंह भट्टी बने बिहार के नए डीजीपी। कृषि रोड मैप बीज उत्पादन में बिहार को करेगा आत्मनिर्भर। पटना के दिघा आईटीआई में आ रही 40 कंपनियां, होगी नौकरियों की बारिश। विश्व स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतने होंगे इतने मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमसीएल ने 255 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। महानंदी कोफील्ड्स लिमिटेड ने जूनियर ओवरमैन मीनिंग सरदार सर्वाइवर के कुल मिलाकर 255 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 12वीं या मीनिंग माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 3 जनवरी 2023 से 23 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट http://www.mahanadicall.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार निकाय चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। बीते दिन बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले फेज में 156 नगर पालिका के 52,60,000 वोटरों ने 21,287 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण में करीब 68% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रविवार को 37 जिलों के 156 नगर पालिका में चल रहे मतदान शाम 5 बजे शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया। वहीं शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर सशस्त्र सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। इसके साथ ही कंट्रोल रूम का गठन किया गया था और कंट्रोल रूम का एक नंबर भी जारी किया गया था जिस पर कॉल कर चुनाव के दौरान हुए किसी घटना की शिकायत की जा सकती थी। राजविंदर सिंह भट्टी बने बिहार के नए डीजीपी। आज बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह बता दिया गया है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिसूचना के अनुसार बिहार का अगला डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी का नाम है। हालांकि वर्तमान में यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमांड के अपर महानिदेशक के पद पर पदस्थापित है। डीजीपी एसके सिंघल और आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी दोनों में यह समानता है कि दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। रोहतास किला इस वजह से है बेहद खास। रोहतास किला 1541 से 1548 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक किला है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। किला अपनी बड़ी रक्षात्मक दीवारों और कई स्मारकीय द्वारों के लिए जाना जाता है। रोहतास किले को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में उत्कीर्ण किया गया था जो मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का असाधारण उदाहरण है। ग्रैंड ट्रंक रोड से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह किला खूखा से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। रोहतास का किला 70 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करता है जो 4 किलोमीटर की दीवारों से घिरा हुआ है। यह किला तुर्की मध्य पूर्वी और दक्षिण एशियाई कलात्मक परंपराओं की शैली में बनाया गया था। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर सस्पेंड हुए पुलिसकर्मी। बिहार के छपरा जिला में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सारण पुलिस की ओर से एसआईटी टीम गठित कर सारण एसपी के द्वारा बड़ी कार्रवाई कर एसएचओ समेत 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जिस एसएचओ और पुलिस कर्मी को निलंबित किया गया है उनमें ईसुआपुर थानाध्यक्ष संजय राम, चौकीदार हरि राय, दफदार कृष्णा सिंह और मसरक थाना के चौकीदार रामनाथ मांझी के नाम शामिल है। वहीं इससे पहले मसरक थाना के थानाध्यक्ष और एक अन्य चौकीदार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। कृषि रोड मैप बीज उत्पादन में बिहार को करेगा आत्मनिर्भर। सूबे के किसानों को होने वाली बीज की समस्या दूर होगी। आने वाले 5 सालों में बीज उत्पादन के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपको बता दें कि कृषि विभाग की कुल जमीन का लगभग 90% जमीन खाली है जिस पर बीज उत्पादन कराया जाना है। जानकारी के अनुसार अग्रणी निजी कंपनियों को बिहार में लाया जाएगा। आगामी चौथे कृषि रोड मैप को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे बिहार राज्य के किसानों को बीज के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर न रहना पड़े।
बिहार में प्रचंड ठंड से बढ़ी कनकनी। बिहार में पारा लगातार गिरने लगा है। मौसम में तेज हवा की वजह से कनकनी का एहसास हो रहा है। सूबे के दक्षिण पश्चिम इलाके में पछुआ का प्रवाह तेज होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्का पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है। ऊपर से पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा ने न्यूनतम तापमान का डाउन कर दिया है। पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में यही स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। विभाग के मुताबिक यही रफ्तार रही तो पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। बिहार में शराब त्रासदी से हरकत में प्रशासन। बिहार के छपरा जिले में शराब त्रासदी से अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रशासन इतने मौतों के बाद अब हरकत में आ गया। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर है। वहीं इन सभी चीजों को देखते हुए अब प्रशासन शराब कांड की समीक्षा एवं त्रुटियों के निवारण में लगे हुए हैं। बताते चले कि टैंकर में लदे स्पिरिट की चोरी को लेकर अब यह निर्णय लिया गया है कि यह सभी स्पिरिट लदे टैंकरों को पुलिस निगरानी में पास रखा जाएगा। वहीं वैसे स्पिरिट टैंकर जो बिहार की सीमा से गुजरते हैं उन टैंकरों को भी पुलिस स्कॉर्ट देने का निर्णय लिया गया है ताकि रास्ते में स्पिरिट की चोरी को रोका जा सके। इंतजार हुआ खत्म। एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा की आंसर की हुई जारी। एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म हुआ है क्योंकि परीक्षा की आंसर की आ चुकी है। आंसर की चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अभ्यर्थी अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसएससी की यह परीक्षा 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। यदि अभ्यर्थी को आंसर की देखने के बाद कोई आपत्ति है तो वे एसएससी के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध रहेगा। आपको बताते चले कि ऑब्जेक्शन फाइल करने वाले अभ्यर्थी को हर आंसर के लिए ₹100 जमा करवाने होंगे। आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। शराबबंदी से होने वाले फायदे को बताने के लिए बिहार सीएम करेंगे बिहार यात्रा। बिहार में जहरीली शराब से हुए मौतों पर बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे। वहीं विपक्ष के लोग नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे। इस मामले को लेकर हर तरफ से घिरे नीतीश कुमार बिहार यात्रा कर यानी प्रत्येक जिलों में जाकर शराबबंदी से होने वाले फायदे को बताएंगे। मुख्यमंत्री के इस यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि जदयू विधानमंडल दल की बैठक में ही उन्होंने अपनी यात्रा के संकेत साफ कर दिए थे और विधानसभा में भी उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वे लोगों के बीच जाएंगे। पटना के दिघा आईटीआई में आ रही 40 कंपनियां, होगी नौकरियों की बारिश। पटना दिघा में स्थित सरकारी आईटीआई में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 22 और 23 दिसंबर को किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 40 स्थानीय तथा बाहरी प्रतिष्ठित नियोजकों के भाग लेने की संभावना होगी, जहां मैट्रिक, इंटर, नर्सिंग ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यता प्राप्त छात्रों के लिए हजारों वैकेंसी होगी। साथ ही साथ यहां कई सरकारी विभागों की तरफ से जागरूकता लाने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे और कौशल विकास तथा प्रशिक्षण से संबंधित संस्थान भी मौजूद होंगे। बिहार के बूढ़ी गंडक पर बने पुल का आधा भाग टूटकर नदी में गिरा। साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र की विष्णुपुर अहोक पंचायत जाने वाली बूढ़ी गंडक पर बने 13 करोड़ की लागत से 9 साल से बनाए जा रहे पुल का आधा भाग टूटकर नदी में गिर गया। ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया था। वहीं निर्माण सही तरीके से न होने के कारण 3 दिन पहले इस पुल में दरार आ गई थी और आखिरकार बीते दिन इस पुल का आधा भाग टूटकर गिर ही गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पुल के टूटने का जिम्मेदार इसके निर्माणकर्ता को ठहराया है। हालांकि पुल में मौजूद दरार की शिकायत मिलने के बाद अनुमंडल प्रशासन एसडीओ रोहित कुमार, डीएसपी कुमार बीर धीरेन्द्र, साहेबपुर कमाल सीओ सतीश कुमार सहित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर वहां पुल की देखरेख के लिए 2 चौकीदारों को भी नियुक्त किया गया था। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार के हस्तशिल्प कला को पूरे विश्व में बताया मशहूर। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के भ्रमण के दौरान लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार के हस्तशिल्प कला को पूरे विश्व में मशहूर बताया। उन्होंने हस्तशिल्प कला की तारीफ करते हुए कहा कि यहां का हस्तशिल्प उत्पादन काफी आकर्षक और सुंदर है। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और खादी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान में आगमन के साथ ही मैथिली का स्वागत
जूट से बने गुलदस्ते से किया गया। संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण को मैथिली ने देखा और वहां पर मौजूद प्रशिक्षुओं से मैथिली ने बात भी की। लोक गायिका ने भी अपने कला का प्रदर्शन करते हुए मधुबनी पेंटिंग बनाई और लोक गीत गुनगुनाए। 400 करोड़ की लागत से पटना के एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का हो रहा निर्माण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण 20.48 एकड़ जमीन पर 400 करोड़ रुपए की लागत से पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पास हो रहा। इसका शिलान्यास वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। यह भवन साल 2023 में मई महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बताते चले कि दिसंबर 2023 तक इस भवन को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस कर आम लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बिहार में मनरेगा के तहत 7.5 करोड़ हाथ को मिलेगा काम। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की मांग पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बिहार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5 करोड़ और मानव दिवस के सृजन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें केंद्र सरकार के द्वारा यह मंजूरी बिहार को मनरेगा के तहत दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही कमेटी की अनुशंसा पर मंत्रालय के द्वारा बिहार के लिए स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इस जारी किए गए पत्र के अनुसार ही राशि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 7.5 करोड़ मानव दिवस सृजन की स्वीकृति दिए जाने के बाद यह पहली बार होगा कि बिहार में अब तक का यह सबसे अधिक मानव दिवस होगा। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और एग्जाम में होने वाली देरी को लेकर सरकार द्वारा बनाई जा रही हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कुलपतियों, कुल सचिव और वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठक में यह जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित करने जा रही है। दरअसल राज्य में के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र और एग्जाम में अक्सर देरी की वजह से छात्र परेशान रहते थे। ऐसे में कमेटी के गठित हो जाने पर छात्रों का परीक्षा सही समय पर लिया जाएगा और साथ ही उन्हें रिजल्ट भी सही समय पर जारी कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा और साथ ही उन्हें राहत भी मिलेगी। नियत वेतन शिक्षकों की लंबित पदोन्नति पर फिर होगा विचार, शिक्षा मंत्री। विधान परिषद में जदयू के संजीव कुमार सिंह और कांग्रेस के मदन मोहन झा समेत विधान परिषद के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा आश्वासन और यह जानकारी दी गई है कि नियत वेतन शिक्षकों की पदोन्नति लंबित रहने के मामले पर नए सिरे से जांच की जाएगी और अगर यह पाया जाता है कि इन शिक्षकों की पदोन्नति बिना कारण या बिना किसी वैध कारण के रोकी गई है तो पदोन्नति रोके रखने वाले पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एनएलसी के द्वारा यह दावा किया गया है कि वैसे माध्यमिक विद्यालयों के हजारों निश्चित वेतन शिक्षक जिनकी भर्ती साल 2006 से 7 से पहले की गई है और साथ ही उनके पास सभी योग्यता मौजूद है, फिर भी उन शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। कंटेनर पर लोड 20 लाख का स्प्रिट हुआ बरामद, पुलिस ने खलासी को किया गिरफ्तार। बिहार में जहरीली शराब से मचे हाहाकार के बीच मोतिहारी के अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में पहाड़पुर पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहाड़पुर पुलिस को शराब की बड़ी खेप मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना दी गई थी, जिसके बाद जब अरेराज बेतिया पथ पर मतियरवा पेट्रोल पंप के पास देर रात कार्रवाई की गई तो पुलिस के हाथों कंटेनर पर ड्रम में लोड कर जा रहे 7000 लीटर स्प्रिट लगे। वहीं अगर स्प्रिट की बाजारी कीमत की बात की जाए तो यह लगभग 20 लाख तक का बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक दशक से पहले देखा गया सपना गाद सफाई को लेकर अब पूरा होने वाला है। दरअसल नीतीश कुमार के द्वारा हमेशा कहा गया है कि बिहार में हर साल गंगा में आने वाली बाढ़ सहित अन्य नदियों के उफलाने के एक बड़ा कारण गाद है, इसलिए गाद की सफाई को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। वहीं अब नीतीश कुमार के इस सपने को साकार केंद्र की मोदी सरकार करने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता में हुए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि बिहार समेत देश भर की नदियों को गाद से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लाने जा रही है। इस दौरान बैठक बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। सुशील मोदी द्वारा हुई नीतीश से इस्तीफे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग।
बिहार में शराब कांड से हुए मौत पर बिहार का सियासत काफी गर्म है। बीते दिन बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को कहा है। आगे उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके लिए शराब माफियाओं को रोकना आसान हो जाएगा, क्योंकि शराब माफिया कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के ही लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक बिहार में शराब से मरने वालों की संख्या 70 के पार पहुंच चुकी है। छपरा शराबकांड में एनएचआरसी की एंट्री पर कांग्रेस को आपत्ति। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंच रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा के द्वारा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि बिहार में शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। सरकार जानबूझकर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। क्या सरकार ने पहले कभी यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौत का जांच मानवाधिकार एजेंसी से कराया है? अगर नहीं तो बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब मांगती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतने होंगे इतने मैच। चटगांव में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया। इस जीत से इंडिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। अब उसे दूसरा टेस्ट मैच भी जीतना होगा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच को भी जीतना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने 5 टेस्ट मैच जीतने होंगे, जिसका मतलब बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 से हर हाल में जीतना होगा। बता दें कि फिलहाल अभी भारत 52.08% के साथ चौथे स्थान पर है। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ की 1927 में स्थापना हुई। महास्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह का 1927 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। सन 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत हल करने की पाकिस्तान की मांग छोड़ने का स्वागत किया। शैलजा आचार्य को 2006 में नेपाल ने अपना भारत में नया राजदूत नियुक्त किया। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म 1919 में हुआ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 1934 में हुआ। पूर्व क्रिकेटर नयन मुंगिया का जन्म 1969 में हुआ। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का निधन 1860 में हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार राम प्रसाद बिस्मिल का निधन 1927 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान का निधन 1927 में हुआ। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक ठाकुर रोशन सिंह का निधन 1927 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 1000 के नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 1000 के नोट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी से 1000 का नया नोट आने वाला है और 2000 के नोट बैंकों में वापस लौट जाएंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि दावा फर्जी है, कृपया ऐसे भ्रामक मैसेज फॉरवर्ड न करें। इमरजेंसी में फोन के इस फीचर से शेयर करें अपनी लोकेशन। एंड्रॉइड अपने यूजर्स को इमरजेंसी लोकेशन की भी सुविधा देता है। इस फीचर के सहारे यूजर्स आपातकाल के दौरान भी अपनी इमरजेंसी लोकेशन शेयर अपने परिवार जनों को संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन में इमरजेंसी सेवाओं को सेट करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन का पावर बटन कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना है। फिर स्क्रीन पर इमरजेंसी SOS फीचर को टैप करें। इसके बाद स्मार्टफोन अपने आप 112 नंबर पर फोन मिला देगा, जिसके बाद आपने फोन कट कर देना है। अब स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नीचे की तरफ उपलब्ध मेडिकल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर टैप करें। यहां आपने स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकाल के दौरान काम आने वाली सभी संबंधित जानकारी एंटर करनी है। सभी जानकारी को भरने के बाद अपने डन बटन पर टैप करना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, अंजना मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, नरेश राम, अनवर करीम खान, राकेश शर्मा, कविता कुमारी, के सिन्हा, राम सेवक, राज सुभाष, इंद्रजीत यादव, विमलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके अनुसार बिहार के हस्तशिल्प कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।